हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। सर्वधर्म समभाव का उदाहरण तो आए दिन भारत में मिलते रहते हैं, लेकिन उसी तरह एक और उदाहरण शिव सेना शाखा प्रमुख मोजेस चिनप्पा ने दिया है। मोजेस चिनप्पा ने अपने घर गणपति बप्पा विराजित किया, जहां अपने घर बप्पा के दर्शन करने व श्री सत्यनारायण की पूजा भजन का कार्यक्रम आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सभी नेताओं ने भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता, महापौर डिंपल मेहता, शिवसेना थाने उप जिला प्रमुख शंकर विरकर, शीतल नगर सेविका रुबीना शेख जैसे नेताओं ने शिरकत की और बप्पा के दर्शन किए। आए हुए बप्पा के दर्शन के लिए लोगों को मोजेस चिनप्पा ने साल उठा कर लोगों का स्वागत किया, तो वहीं नरेंद्र मेहता को तलवार भेज दी। आए हुए लोगों ने मीडिया से खास बातचीत की और मोजेस चिनप्पा के कार्य को खूब सराहा। देता हूँ और इस गणेश चतुर्थी के माध्यम से आज महाराष्ट्र में पूरी दुनिया में आज उनका जो मान सम्मान हो रहा है गणपति जी का आगमन, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक घर घर में आज कई साल से ज़्यादा इस साल मेरे हिसाब से मन खुश है कि कई साल से ज़्यादा इस सीजन में बहुत से लोगों ने घर पर गणपति लाए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये हर घर घर में हो, ये खुशी का माहौल हो जाता है घर पे, एक घर पे एक मेहमान आने का जो खुशी होती है वो खुशी में यहाँ पे सबके घर पर देखा जाता है। मैं यहाँ पे मोजेस चिनप्पा जी के घर पे आया हूँ। मुझे लगता है मोजेस चिनप्पा जी का ऐसा का एक अच्छा कार्यकर्ता, आज मैं इनको बधाई देता हूँ कि आज इतने अच्छे मौके पर आज उन्होंने मुझे बुलाया, सम्मानित किया। आज यहाँ पे वातावरण देखने के बाद ऐसा लगता है कि गणपति सही में बहुत अच्छा मतलब ऑर्गेनाइज करने का काम हर हर प्रोग्राम आपके इससे कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि घर घर में गणपति आवे और घर घर में खुशी का माहौल रहे, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और मैं महाराष्ट्र स्वाभिमान दफ्तर के माध्यम से सबको शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले दिनों में गणपति के आशीर्वाद से बहुत ही महाराष्ट्र में अच्छा वातावरण हो, जिन बाढ़ अगर आए तो उनको खुशहाल रखे, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ा मौका है, जैसे अभी मैंने कहा कि जब रुबीना चिनप्पा मोजेस के बुलावे पर गणपति बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं, तो यही साबित होता है, यही बात ये सिद्ध करती है कि हम सब एक हैं। यही हमारे मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब है जो हज़ारों सालों से हम लोगों ने फॉलो की है, जहां हर धर्म, हर जाति, हर लैंग्वेज, हर जबान के लोग यहां पे सालों साल से बसते आए हैं, जहां ईद भी उतनी ही खुशी से मनाई जाती है जितनी खुशी से दिवाली हो या गणपति के गणपति का अवसर हो, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, आप देखेंगे कि हर मज़हब के लोग इसमें पूरे दिल से शामिल होते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही सबसे पहले तो सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी गणेश चतुर्थी की मेरी तरफ से, विजय राय जी की तरफ से। और अनुभूति मतलब आज जो मेन मकसद था लोकमान्य तिलक जी ने जिस परंपरा, जिस उद्देश्य से इसे शुरू किया था, उसे एक परंपरागत रूप में हम रंग दे रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं सभी लोग मिलके, इसके लिए मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और स्पेशली चिनप्पा जी, आई कैन मतलब स्पेशली मैं कहना चाहूँगी चिनप्पा मोजेस जी, सर्वधर्म स्वभाव का जो हमेशा एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और हमेशा उनके यहाँ पे हर तीज त्यौहार में एक अद्भुत माहौल होता है, इतने शुभचिंतक, इतने भक्तों के बीच में हमेशा वो कार्यक्रम आयोजन करते हैं, इसी तरह करते रहे और सभी को शुभकामनाएं। और दैट्स इट, आई कैन जस्ट से कि बप्पा आते 11 दिन के लिए है, लेकिन इस के पीछे कई दिनों की और कई लोगों जी बिल्कुल, हमारे मीरा भाईंदर नगरी ही ये धर्म नगरी से जानी जाती है। और आज मुझे खुशी है कि ढाई दिन के पाँच दिन कल 7 दिन हो जाएंगे और आगे 11 दिन पूर्ण होंगे। ऐसे बहुत से महोत्सव पूर्ण मीरा भाईंदर में चल रहे हैं, तो मैं सभी रहवासियों को सर्वप्रथम ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी
की ढेर सारी शुभकामनाएं कि जीवन में जो गणपति बापा है, जो विघ्न हरता है, वो सभी के विघ्न दूर करके आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए, वैसी शुभकामनाएं मैं सभी रहवासियों को देना चाहूंगी। क्या पूरे देश में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी एक विशेषता रही है। और महाराष्ट्र में बहुत जगह पे, अलग अलग जगह पे गणपति बाप्पा सार्वजनिक रूप से भी आते हैं और लोगों की श्रद्धा और आस्था देख के दिन ब दिन घरों में भी गणपति बाप्पा की संख्या बढ़ी है और वो गणपति बाप्पा के प्रति आस्था और श्रद्धा है। उसी श्रृंखला में हमारे मोजेस चिन्नप्पा जी, जो मीरा भाईंदर में समाज सेवक है, वो हर वर्ष गणेश उत्सव का अपने घर पे आयोजन करते हैं। अपने मित्र परिवार के सभी लोग, सगे संबंधी, सभी पॉलिटिकल लोगों को बुलाते हैं, बड़ी उत्साहपूर्वक ये त्यौहार मनाते हैं। मैं उनके परिवार को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बहुत सुंदर तरीके से गणेश उत्सव मनाते हैं। और गणेश उत्सव मनाने के पीछे का हेतु यही है कि सभी सगे संबंधी आए, हम सब एक हो, इसके पीछे का हेतु उनका रहा है और वो उसमें हमेशा सफल रहे। मैं आपके माध्यम से पूरे शहरवासियों को, देशवासियों को, महाराष्ट्र के हर नागरिक को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। गणपति बाप्पा आप सबकी मनोकामना इच्छा पूरी करे और आप लोग हमारी मनोकामना इच्छा पूरी करे, यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। बल ये शिक्षा तो बचपन से मुझे सोसाइटी से मिली है। जब मैं छोटा था तो मैं यही देखता था कि मेरे जो अड़ोस पड़ोस के जो व्यक्ति है, जो मंडल बनाते हैं, वो अच्छे अच्छे नौकरी पे, बड़े बड़े व्यवसाय में, बिजनेसमैन है, काम करते हैं। पर मैंने देखा है कि वो 11 दिन छुट्टी ले लेते ऑफिस से, छुट्टी ले लेते। मैं लकी हूँ कि मेरी वाइफ हाउसवाइफ है, घर पे मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मुझे छुट्टी लेनी नहीं पड़ती। मैं शाम को पापा का सेवा कर लेता हूँ। पर अगर आप बॉम्बे में, महाराष्ट्र में कहीं भी चले जाओ, अच्छे से अच्छे ओहदे वाला, बिजनेसमैन वाला आप देखोगे कि वो आपको बोलेगा कि मैंने छुट्टी ले ली है। हाल ही में मैंने कुछ चीज़ बुक की थी घर के लिए, मैंने उस व्यक्ति को फ़ोन किया, बोला सर मैं 5 दिन छुट्टी पे हूँ। तो मैंने देखा गणपति बाप्पा के लिए सभी को प्यार होता है, वो सब कुछ अपना कामकाज भूल के उस 10 दिन के लिए छुट्टी लेके सेवा करते हैं, सिर्फ गणपति बाप्पा के लिए। नवरात्रि के लिए भी अगर आप देखो तो आपको सुनने में आएगा कि लोगों ने छुट्टी लिया हो घर पे। आई थिंक वो हम लकी है, मैं उस माहौल में पैदा हुआ था कि ये नॉर्मल है, सबको लगता है कि ऐसा कैसे मैनेज कर पाते हो। लेकिन आज शायद 7वां दिन है और बड़े आराम से हुआ। इनफैक्ट उनके अभी 4-5 दिन और बाकी है तो हम और धमाल करेंगे। ये 10 दिन का जो माहौल होता है घर का, कितना बदल जाता है, कितना पॉजिटिविटी नजर आती है उनके बप्पा का जो मंडप लगता है, जो उनका आगमन से पहला जो मंडप घर में लगता है, पॉजिटिविटी वहीं से शुरू हो जाती है। इनफैक्ट हमारे ऑफिस में या मैं जहाँ रहता हूँ, काफ़ी जगह पे वास्तु को लेके लोगों के मन में शंका होती है कि घर, अभी जैसे मेरे आप घर को देखो तो 2 दरवाजा है, लेकिन आप देख रहे हो मैं 3 टाइम खा रहा हूँ, खुश हूँ, पैसे हैं, इज्जत है, सब कुछ है। तो मैंने गणपति बप्पा को बिठा दिया और मैंने कहा वास्तु का दोष आप ही हटा दो। तो गणपति अपना बप्पा को विघ्न हरता है, उनके काफ़ी मीनिंग है और आई थिंक उनके आने से और उनके जाने के बाद भी जो आशीर्वाद है वो तो महसूस किया जाता है और हम लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं।